हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बचपन की यादें ताज़ा करेंगे, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हमारे क्यूट छुटकू से कॉइन बिस्किट या फिर एग ड्रॉप बिस्किट की रेसिपी। वैसे ये बिस्किट है बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान, ये बिस्किट्स बहुत ही क्विकली बन जाती है। और हम बनाएंगे ये बिस्किट्स ओवन में और हमारे फ्राइंग पैन में, दो तरीके से हम ये बिस्किट्स बनाएंगे। तो चले बनाते हैं हमारे फेवरेट बचपन की कॉइन बिस्किट या फिर एग ड्रॉप बिस्किट। देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सो लेट्स गेट इनटू वीडियो। कॉइन बिस्किट्स बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप मैदा, हाफ कप शुगर, और शुगर आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हो, कम या ज़्यादा। दो अंडे और 2 टेबलस्पून बटर, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर। और हमारे कॉइन बिस्किट्स को गोल्डन येलो सा कलर देने के लिए हम यूज़ करेंगे 1 पिंच सैफ्रन फूड कलर या फिर 1 पिंच येलो फूड कलर और 1 टीस्पून वनीला एसेंस। तो चले बनाते हैं हमारे फेवरेट छुटकू कॉइन बिस्किट्स। और मैंने यहाँ पर एक बोल ले रखा है और इसमें हम ऐड करेंगे एग्स और शुगर, और फिर हम एग्स और शुगर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और विस्क कर लेंगे। हमें इसे तब तक विस्क करना है जब तक इसमें एक हल्की सी क्रीमी सी कंसिस्टेंसी ना आ जाए। और जब ये मिक्सचर हल्का सा क्रीमी सा होने लगे, हम इसमें ऐड करेंगे बटर, वनीला एसेंस और फूड कलर, और फिर हम तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और विस्क कर लेंगे। और देखिए हमारा जो वेट मिक्सचर है ये तैयार हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जो कि है मैदा और बेकिंग पाउडर। हमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डायरेक्टली नहीं ऐड करना है, हम स्ट्रेनर के थ्रू ऐड करेंगे मैदा और बेकिंग पाउडर को, क्योंकि हमें अपना बैटर जो है ये बिल्कुल स्मूथ सा चाहिए। और फिर हम तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ साथ हमारा जो बैटर है एग ड्रॉप कुकी के लिए ये तैयार हो चुका है। और देखिए हमें कुछ इस तरह का कंसिस्टेंसी वाला बैटर चाहिए। ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है हमारे एग ड्रॉप बिस्किट्स के लिए, ताकि जब हम इस बैटर को ड्रॉप करें हमारे बेकिंग ट्रे में तो ये खुद ब खुद अपना शेप फॉर्म कर ले। तो चले आते हैं हम अगले स्टेप की तरफ, जो कि है बेकिंग। और बेकिंग से पहले हमें अपने बैटर को एक पाइपिंग बैग में फिल कर लेना है। और देखिए मैंने पाइपिंग बैग को फिल कर लिया है बैटर से। और मैंने यहाँ पर एक प्लेट ले रखी है, इसे मैंने लाइन अप कर लिया है पार्चमेंट पेपर से। और अब हम इसमें अपने कुकी का जो बैटर है उसे ड्रॉप करेंगे, और इसीलिए हमने एक छोटा सा कट कर लेना है पाइपिंग बैग पर। और फिर हमने इस बैटर को ड्रॉप करना है बेकिंग ट्रे पर या फिर प्लेट पर। और आपको जिस साइज़ की बिस्किट्स बनानी है आप उस साइज़ का बैटर ड्रॉप करें। और देखिए मैं अराउंड 1 टीस्पून बैटर ड्रॉप कर रही हूँ बेकिंग ट्रे में, और इससे नॉर्मल साइज़ की जो बिस्किट है, ओरियो के साइज़ की बिस्किट्स, वो तैयार हो जाएगी। और इसी दौरान हमें अपने अवन को भी प्रीहीट कर लेना है 150 डिग्री सेल्सियस पर, अगर आप अवन में कुकीज़ को बेक करने वाले हो। और अगर आप गैस स्टोव पे कुकीज़ को बेक करने वाले हो तो आपने कढ़ाई या फिर फ्राइंग पैन को गर्म कर लेना है 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। और देखिए जो हमने अवन का बैच तैयार किया था इसे हमने अवन में रख दिया है बेकिंग के लिए। हमें इसे 20 से 25 मिनट के लिए बेक करना है, या फिर हमें इसे तब तक बेक करना है जब तक इसकी एजेस जो है और इसका जो डाउन साइड, जो दूसरा साइड है कुकीज़ का या फिर बिस्किट का, ये हल्का ब्राउन सा ना हो जाए। देखिए यहाँ पर मैंने अपना एक पुराना फ्राइंग पैन गर्म कर लिया है। हमें डीप फ्राइंग पैन चाहिए या फिर कढ़ाई चाहिए, ताकि हम इसमें इस तरह का स्टैंड रख सके। और इस स्टैंड के ऊपर हमें रखना है हमारा बेकिंग ट्रे, और फिर हम हमारी बिस्किट्स को लो टू मीडियम फ्लेम पर 25 मिनट के लिए कवर कर पकाएंगे, या फिर हमें इसे तब तक पकाना है जब तक इसका जो डाउन साइड है, जो इसकी एजेस है, ये गोल्डन ब्राउन से ना हो जाए। और देखिए हमने बीच में चेक भी करते रहना है कि हमारे बिस्किट्स का कलर डाउन साइड से और एजेस से ब्राउन हुआ है या नहीं। फिलहाल जो हमारी बिस्किट है इसका कलर बिल्कुल लाइट ब्राउन सा है, हमें चाहिए बिल्कुल डीप डार्क ब्राउन कलर।
और देखिए 20 मिनट बाद हमारी जो बिस्किट है ये एजेस से डार्क ब्राउन दिख रही है और डाउन साइड से भी डार्क ब्राउन हो चुकी है। तो हमारी बिस्किट्स बिल्कुल तैयार है, अवन वाला जो बैच है ये बिल्कुल तैयार है। और इस बैच के बाद मैं अगेन बेक करने वाली हूँ बिस्किट्स, पर इस बार मैं बेक करने वाली बिल्कुल छोटू से कॉइन के साइज़ के बिस्किट्स। और देखिए हमने अगर कॉइन की साइज़ के बिस्किट्स बनाने हैं तो हमें कुछ इतना बैटर यूज़ करना है, ये अराउंड हाफ टी स्पून के करीब बैटर मैं ड्रॉप कर रही हूँ बेकिंग ट्रे में, और इससे बिल्कुल परफेक्ट कॉइन के साइज़ के बिस्किट्स हमारे तैयार हो जाएंगे। और देखिए सेकेंड बैच कॉइन बिस्किट्स का बिल्कुल तैयार है बेक होने के लिए, और हमें दो बिस्किट्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करना है, हमें अराउंड हाफ इंच का डिस्टेंस मेंटेन करना है। और देखिए 25 मिनट बाद हमारी फ्राइंग पैन वाली बिस्किट्स भी बिल्कुल तैयार है। इन बिस्किट्स की एजेस जो है ये ब्राउन नज़र आ रही है और ये डाउन साइड से भी डार्क ब्राउन हो चुकी है। और अब हम फ्लेम को कर लेंगे टर्न ऑफ और बिस्किट्स को पैन से बाहर निकाल लेंगे, और हम बिस्किट्स को बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर ले आएंगे इसे सर्व करने से पहले। और देखिए रूम टेम्परेचर पर आने के बाद हमारी जो बिस्किट है ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो गई है। और देखिए हमारा जो सेकेंड बैच है छुटकू कॉइन बिस्किट्स का ये भी बिल्कुल तैयार है। हमने कितने आसानी से और कितना क्विकली इतने सारे बिस्किट्स तैयार कर लिए हैं, और ये बिस्किट्स तैयार हो जाते हैं आपके घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स से बहुत ही आसानी से। तमाम जो इंग्रेडिएंट्स है ये आपको घर पर ही मिल जाते हैं और बहुत ही क्विकली आप ये बिस्किट बना सकते हो अवन में या फिर फ्राइंग पैन में। और देखिए हमने कितने खूबसूरत गोल्ड कलर की कॉइन बिस्किट्स तैयार कर ली है, तो आप ज़रूर ट्राई करें ये गोल्ड कॉइन बिस्किट या फिर एग ड्रॉप बिस्किट्स, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई और आप आगे भी इस तरह की अमेजिंग डिलीशियस रेसिपीज देखना चाहते हो तो मेरे वीडियोज़ को लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए Don't forget to click the bell icon.